कांग्रेस पार्टी के अहम नेता सचिन पायलट जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सत्याग्रह में आप पहुंच रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं? आप लगातार ये कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना अच्छी नहीं है, क्या कुछ विरोध में आपके लिए मुद्दे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, देश का नौजवान आज चाहता है कि हमारी जो सेना का शौर्य बलिदान है वो सबसे ऊपर है और सेना का मनोबल कहीं कमजोर ना हो, नौजवानों का भविष्य अंधेरे में ना जाए। फौज में भर्ती होना लोगों का सपना है और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के जो लोग आते हैं अधिकांश वो लोग फौज में भर्ती होते हैं। आज उनके रास्ते रोक दिए जाएं और सिर्फ 4 साल के लिए आप सर्विस करें, मैं समझता हूँ लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। नौजवान आक्रोशित है, उनकी बात सुननी चाहिए। हिंसा किसी चीज का जवाब नहीं है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। हमने शांति की अपील करी है लेकिन नौजवानों की बात सुननी चाहिए सरकार को। आप ही की पार्टी के मनीष तिवारी जी हैं, वो इसका समर्थन कर रहे हैं, तो एक ही पार्टी में हमें डाइवर्स ओपिनियन दिखाई दे रहे हैं, क्या अंदर कॉन्फ्लिक्ट है? मैं तो कहता हूँ लोगों का क्या व्यू है, आप दल छोड़ दीजिए, सत्ता विपक्ष छोड़ दीजिए, नौजवान क्या चाहता है, देश के लोग क्या चाहते हैं उसको सुनना चाहिए। सर, लगातार जो ऑफिसर्स हैं कई सारे आर्मी के, जो पूर्व ऑफिसर्स रहे, एम्बेसडर्स रहे, उनका कहना है कि योजना में बहुत सारी खूबियां भी हैं। अगर योजना में खूबियां हैं तो लगातार बदलाव क्यों कर रहे हैं? पॉलिसी अनाउंसमेंट करने के बाद 6 बदलाव कर चुके हैं, बिना सोचे समझे आप करेंगे तो बदलाव करने पड़ेंगे आपको, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। कई सारी जगहों पर हिंसा इस वक्त हो रही है, विरोध हो रहा है, किस तरीके से हिंसा को रोकने की कोशिश? हिंसा नहीं होनी चाहिए, सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए और हिंसा किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। यह आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हिंसा भड़काने का काम कांग्रेस कर रही है, ये ट्वीट अमित मालवीय कर रहे हैं। विपक्ष को आप हमेशा आरोप देंगे, किसान आंदोलन कर रहे थे वो विपक्षी गलती थी, नौजवान आंदोलन कर रहे हैं वो विपक्षी गलती है। सरकार को अपने अंदर आत्मा से पूछना चाहिए, गरिमा में झांकना चाहिए और फिर लोगों की आवाज सुननी चाहिए। देखिए सचिन पायलट जो कि अब से कुछ देर में सत्याग्रह जो लगातार चल रहा है जंतर मंतर पर उस पर पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पहले से पहुंच गए हैं, लगातार लोगों को संबोधित कर रहे हैं, मीडिया के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं कि अग्निपथ योजना किस तरीके से सेना को कमजोर कर रही है, सेना में सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रही है, ये लगातार कांग्रेस का कहना है। कैमरा पर्सन हेमंत सूद के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली।